पे सोल के गॉबलिन को भी नॉकआउट मिल चुका था एंड इसी के साथ कल फिर में आ चुका है कि सोल के गॉबलिन का वहां पे किल कंफर्म कर दिया जाएगा। बट मीनवाइल प्लेयर थ्री वहां पे ओजी के अनोनिमस को नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ बर्न्स यहां पे डेल्टा पीजी को नॉकआउट करेंगे। बट पर्व जो कि उनके साथ वहां पे खेल रहे हैं उन्होंने भी कैसीनो ओजी नॉक के दियो, प्लेयर्स को कैसीनो नॉक नॉकआउट दियो, कर किल दिया नहीं है। होना। बट लेट्स सी क्या सिचुएशन इस टाइम पे इनके लिए बनने वाली है। बिल्कुल, सिचुएशन क्या रहेगी हम जरूर देखने वाले हैं। बट वहीं टीम ओनली ग्लिच की अगर बात कर ली जाए, यहां से दो खिलाड़ियों के साथ सरवाइव करेंगे। एक पनिश पॉइंट इनके द्वारा निकाल लिया गया है सोल के एक और खिलाड़ी को डाउन। वहीं ईएसएन पर भी देखने को मिल रहे हैं, पिछले मैच में बहुत ही जल्द बाहर जाना पड़ा था यहाँ टीम सोल को, क्या इस मैच में सरवाइव कर पाएंगे? एक शानदार ग्रेनेड और वो गौतम को डाउन करने के लिए नफ रहेगा। बट वहीं दूसरी तरफ आखिरी सरवाइविंग प्लेयर हमें देखने को मिल रहे हैं ओनली ग्लिच के, उन्हें भी एलिमिनेट किया जाएगा और सोल प्लेयर थ्री हेक्टर को यहां रिवाइव देते के साथ ये टीम अब अपने रोटेशंस में वापस कंटिन्यू करते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, सोल की टीम बचने की कोशिश कर रही है और शायद इस बार उन्हें कामयाबी मिल भी जाए। बट कुछ प्लेयर्स की हेल्थ काफी ज्यादा लो नजर आ रही है, तो उन्हें काफी ज्यादा संभल कर रोटेशन लेने की जरूरत है। लगातार नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ज्यादा चला जा रहा है जहां रिचेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे और गॉडल की टीम अब अपनी रोटेशन की शुरुआत करती हुई देखने को जरूर मिल जाएगी। यहाँ से ज़ीगोर्ड हमें नजर आ रहे हैं जो कि डाउन कर दिए गए हैं, रिवाइव भी उन्हें समय पर दिया जा रहा है, तो कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं। बट एसिड की टीम संभल जाइए, आपके करीब पहुंच चुकी है गॉड लाइक की टीम और नियो नजर आ रही है UMP45 के साथ तैयार नजर आएंगे और जितने भी थ्रोएबल्स हैं, जितने भी यूटिलिटीज हैं, उनका इस्तेमाल करने का अब समय आ चुका है और उन यूटिलिटीज से बच पाना, उन थ्रोएबल से बच पाना एसिड के खिलाड़ी स्पर्श ओपी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्लेयर्स को स्पॉट करेंगे। बट बैक एंड साइड से क्या इन्हें जरा भी अंदाजा है कि एसिड के खिलाड़ी काफी आसानी से इन्हें डाउन कर सकते हैं? काउंटर स्प्रेज यहां जरूर आने वाले हैं और उन काउंटर स्प्रेज से बचने के लिए पीछे इंस्टेंटली अपने आप को लेकर जाएंगे। नियो नजर आ रहे हैं, एक फर्स्ट एड रहेगा इनके पास और ये फर्स्ट एड इनफ रहेगा इनको हील करने के लिए। तीन फिनिशेस निकाले जा चुके हैं गॉडलाइक के प्लेयर्स के द्वारा और जो नौ खिलाड़ी हैं उनके, उन्हें जल्द से जल्द रिवाइव देना जरूरी रहेगा। इस टाइम पे बहुत ही शानदार स्प्रेज जाते हुए क्रीज सोल को भी यहाँ पे नॉकआउट मिल चुका है सामने से। मुश्किल इस टाइम पे सभी टीम्स के लिए आते हो, टॉप 9 टीम्स इस टाइम पे हमारे बीच में अलाइव हैं। 20 मिनट ऑलमोस्ट इस मैच के कंप्लीट होने वाले हैं। जोकर यहाँ पे स्पॉट करते हुए नजर आएंगे सामने प्लेयर्स को, अपने प्लेयर को यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल के लिए कवर देने के लिए कि अगर कोई प्लेयर इन पे बाय चांस पुश करता है रिवाइवल देते हुए तो यहाँ पे एक अच्छा कवर देते हुए हमको नजर आ जाए। बट जोकर ओजी साथ के साथ जाएंगे अपने प्लेयर का साथ देने क्योंकि जोन भी उन्हीं के पास हमको नजर आएगा। गॉडल के नियो जो कि इस टाइम पे नॉकआउट पड़े हैं, रिवाइवल उनको देने के लिए भी जी गॉड रेडी है यहाँ पे। एस पावर एंड स्पॉट के ऊपर भी जिम्मेदारी है इन फाइट्स को हैंडल करके रखने की ताकि ये अपने प्लेयर्स को रिवाइव कर दें एंड फोर मैन स्ट्रॉन्ग होकर फिर से इस फाइट के अंदर एंट्री लेते हैं हमको नजर आए। बट एस पावर बगी लेके आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एसिड के दो प्लेयर्स जो इनके सामने हमको देखने को मिल रहे हैं वो इस टाइम पे कुछ शॉट्स लेने के लिए अगर ऊपर आएंगे तो पूरी गॉडल उनके ऊपर धावा बोलते हुए देखने को मिलते हैं। बट गॉडल गर्ल्स यहाँ पीछे हमको देखने को मिल रही है, मुश्किल उनके ऊपर खड़ी करते हुए सोल की टीम अक्षर यहाँ पे ठगुराइन वाइटी को नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे। एक और प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा सामने, उनके ऊपर भी शानदार स्काल के स्प्रेस लिए जाएंगे, किल कंफर्म करने की कोशिश रह सकती है। बट इनके भी प्लेयर थ्री नॉकआउट हो चुके हैं, उनका रिवाइव होना भी पॉसिबल नहीं है एंड इस टाइम पे जोन के बाहर फिनिश होते हुए हमको नजर आ जाएंगे। बिल्कुल, अभी के लिए सोल के खिलाड़ी रोटेशन ले रहे हैं, अपने आप को सर्कल की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है इन खिलाड़ियों के द्वारा और लेट्स सी वो कामयाबी मिलती है या नहीं। अक्षत यहां से काफी ज्यादा डैमेज कर दिए जाएंगे, हील करना पड़ेगा इन्हें समय पर जल्द से जल्द। अपने आप को बगी के पीछे लेकर आए हैं बट वो एक गलत डिसीजन उनके द्वारा और इंस्टेंटली डाउन कर दिए जाएंगे। ईएसएन पर्व अपने आप को सेफ रखना चाह रहे हैं, स्मोक के बीच सर्वाइव करवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेवल टू का हेलमेट, लेवल टू का वेस्ट इनके पास देखने को जरूर मिलेगा, M4 के साथ तैयार। और गाइस 5,000 की वॉचिंग हमारे सामने आ रही है और हम 24,000 फॉलोअर्स के काफी ज्यादा करीब हैं। सिर्फ 600 फॉलोअर्स हमें और चाहिए और हमारे 24,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोगों पर गाइस जल्दी से जल्दी फॉलो बटन दबा दीजिए और कंप्लीट करने में हमारी मदद करिए 24,000 फॉलोअर्स। फिलहाल गॉड लाइक गर्ल्स की जो लाइनअप है उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें एलिमिनेट करने वाले भी गॉडल की लाइनअप ही रहेगी। तो दो गॉडल के बीच का ये मुकाबला था, 10 फिनिशर्स निकाले जा चुके हैं गॉडल नियो के द्वारा। यहाँ काफी शानदार गेम प्ले, हेलमेट का काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। चारों खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक के बीच में कह सकता हूं एक फाइट हमें देखने को मिल सकती है, जिस फाइट का हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज वो फाइट शायद होती हुई नजर आएगी, तो जरूर फॉलो कर दीजिएगा हमें लोगों के ऊपर। बिग ब्रदर्स को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए, 24,000 फॉलोअर्स के हम काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं।
गाइस, तो जरूर से फॉलो बटन दबाइए। और अभी के लिए मुकाबला इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है क्योंकि अब आखिरी तीन टीमें यहां सरवाइव कर रही हैं, छह खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं और गॉड लाइक चारों प्लेयर्स के साथ। इनके अलावा जो दो टीमें हैं वो सोलो सोलो प्लेयर्स के साथ देखने को मिल रही है, यानी मुकाबला कुछ खास अभी के लिए बचा नहीं है। उन दो सोलो प्लेयर्स को एलिमिनेट करके जल्द से जल्द टीम गॉड लाइक इस मैच को अपना बनाती हुई नजर आ जाएगी। पूरे कह सकते हैं स्पीड से अग्रेशन दिखाते हैं इस टाइम पे हमको नजर आ रहा है एक सोलो प्लेयर। ओहो, यहां तो उछलते उछलते जा रहे हैं, सीधा पहुंचेंगे, एक नॉकआउट करेंगे, किल कंफर्म। हमारे कैसे ना फिनिशेस निकालते नजर आएंगे। माइट फर्स्ट लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग इनके सामने, उनके ऊपर भी चारों प्लेयर्स प्रेस लेते हुए हमको नजर आ रहे हैं। पावर पीछे से घूम के जाएंगे, सीधा भग्गी लेके उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, उनका भी फिनिश सिक्योर करेंगे एंड बहुत ही शानदार विनर चिकन डिनर यहाँ पे सिक्योर कर लिया जाएगा टीम गॉड लाइक के नाम से।